आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे साथ में अभी एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं और आज हम फिर से दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। ये अग्निवीर बैच के लिए तो है ही, जो बच्चे हमारे जीजी के लिए, क्लर्क के लिए और टेक्निकल मेडिकल कोर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी तो सिद्ध होगा ही होगा। साथ ही जो मेरे बच्चे एसएससी वनडे एग्जाम सिपाही दरोगा की भर्ती के लिए भी प्रयासरत हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला साबित होगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारे पास में क्या है। वैसे तो मैं बहुत सारे प्रश्नों की एक लंबी सीरीज लेके आया हूँ, लेकिन आपको कौन से प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं ये भी देखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, मैं इस पे आगे बढ़ने से पहले अपने लेक्चर में आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। आपने मेरे पिछले लेक्चर में कमेंट नहीं किया है, जो कि बहुत गलत है। आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लगे, और तब मैं अपने अंदर और सुधार करूँगा और आपको और सारे प्रश्न दूंगा। ठीक, तो चलिए मेरे साथ में आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, स्लो ब्लड क्लॉटिंग कौन सा है जो कि रक्त के जमने से संबंधित है? उस विटामिन का नाम बताना है जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है, रक्त के जमने से संबंधित है, उस विटामिन का नाम बताना है आपको। तो आप लोग बताएंगे क्या? देखिए, विटामिन सी तो हो नहीं सकता, रक्त के जमने से विटामिन सी का आशय तो है नहीं। फिर अगला विटामिन बी, ये तो होता नहीं है। विटामिन ई तो जानते हो ब्यूटी पार्लर वाला विटामिन है, तो ये भी नहीं होगा। बचा हुआ विटामिन के है, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉटिंग विटामिन, ये क्लॉटिंग विटामिन होता है, थक्का जमाता है। ये क्लॉटिंग विटामिन है। जब ये विटामिन होता है शरीर में, तो चोट लगने पर, घाव होने पर तेजी से रक्त का थक्का जम जाता है, और अगर यह विटामिन ना हो तो थक्का जमने में क्या होती है? समस्या होती है, काजेज, स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? विटामिन के, विटामिन के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, कौन सा विटामिन है जो कि रक्त के थक्का जमने में भूमिका निभाता है? तो इसमें आंसर भी नहीं है आपका, विटामिन के होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दो। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि क्या करना है, रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। तो यही पूछ लिया है सादे कि विटामिन के कारण क्या होगा, इसकी डिफिशियंसी होने पर क्या होता है? रक्त के थक्का जमने में विफलता हो जाएगी, रक्त थक्का नहीं जमेगा, बाकी ये सभी कुछ नहीं होंगे। ठीक, अगला विटामिन आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी, यार क्वेश्चन रिपीट मार दिया है क्या? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? अभी हाल में एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था कोरोना। कोरोना पता है, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे, और इसमें हो क्या रहा था? सर्दी और जुकाम, लक्षण उसके यही तो दिख रहे थे कि क्या हो जा रहा था, सामान्य जुकाम हो रहा था कोरोना में। और आप जानते हैं मार्केट में विटामिन सी की गोलियों की कमी हो गई थी। किस गोली की कमी हो गई थी मार्केट में? विटामिन सी के, याद आया? तो ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, विटामिन सी की गोलियों की कमी हो गई थी, निमसी, सिलिन, ये टैबलेट मिल नहीं रहे थे, तो विटामिन सी लोग संतरा खा जा रहे थे सब विटामिन सी लेने के लिए। ठीक, तो जुकाम के इलाज में किस विटामिन का उपयोग हो सकता है? विटामिन सी का। आपको आंसर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? भाई आयरन, आयरन का मतलब क्या? आयरन स्टील, लोहा। लोहे से क्या होता है हमारे शरीर में? लोहा जो है हमारे शरीर में, आयरन क्यों जरूरी है पहले ये जान लेते हैं। आयरन, ठीक, आयरन हमारे शरीर में जरूरी है, वो हीम है ना, हीम, यस, ई ए एम, हीम, ये आयरन का मॉलिक्यूल है। जब इसके साथ ग्लोबिन जुड़ता है तो
तो ये क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन बनने पर ही क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां सहायक होती हैं आयरन की पूर्ति करने में। आयरन की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाता है। आयरन वाला जो विटामिन है जिसमें आयरन पाया जाता है, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं साथियों, फोलिक एसिड बोलते हैं। और आप इसको बोल सकते हैं विटामिन B9। क्या बोल सकते हैं आप इसको, विटामिन B9। ठीक है, आगे बढ़ूं, समझ आ रहा है? ठीक है, तो समझ आ रहा है तो छोटा छोटा दो चार काम भी आपको करना है। क्या करना है, एक काम तो ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना है। सच बता रहा हूँ, जो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया तो समझ लेना कि बहुत बुरा होगा। ये मेरी खुली हुई धमकी है सबको, सब लोग कमेंट बॉक्स में चल के कमेंट जरूर करो, बताओ अच्छा बुरा जो मन में आए सो लिख जाओ, लेकिन लिख जरूर देना। ठीक, पेलाग्रा लकवा ये बीमारी किसके कारण होता है, लकवा किसके कारण होता है ना। देखिए, राइबोफ्लेविन ये होता है आपका विटामिन B2। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, फोलिक एसिड विटामिन B9, नियासिन B3। ठीक है, नियासिन क्या होता है, B3, और नियासिन ही के कमी से ही तो होता है पेलाग्रा, इसी को एंटी पेलाग्रा विटामिन भी कहते हैं, B3। ठीक है, समझ आया, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मेरा, मैंने आपको क्लास नोट्स में सब कुछ बता दिया है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी लिखा है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। कहाँ पाए जाने वाले बीमारियों द्वारा बनेंगे, नेचुरली अकॉर्डिंग कहाँ, अग्न्याशय में। इसका विटामिन के बनने से कोई रोल नहीं है, किडनी में विटामिन बन के भी कुछ नहीं हो सकता, हार्ट का काम विटामिन बनाने का है ही नहीं। अब आपके पास बचा क्या है, आंत, आंत है जो कि बना दे, पचा दे, डाइजेस्ट कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ये इसी का अर्थ है, मतलब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। किसमें विटामिन D सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिनौला का तेल, बिनौला क्या है यार, काटन, बिनौला का मतलब क्या, काटन। ठीक, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल में विटामिन E होता है, सूर्यमुखी का तेल विटामिन E होता है। अरे मेरे हर एक बच्चे को पता है कि किसमें विटामिन D होता है, मेरा हर एक बच्चा जानता है कि कॉड लीवर ऑयल जो कि मछली का तेल होता है, फिश ऑयल, इसमें विटामिन D की सबसे अधिक मात्रा होती है, साथ में विटामिन A भी होता है, कुछ मात्रा में विटामिन E भी होता है, लेकिन रिच इन विटामिन D, मेरे हर एक बच्चे को पता है कि इसमें किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। हमने एक शब्द बताया आपको, जितने खट्टे फल होते हैं सभी खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अब कह दें आम भी तो खट्टा है, तो आम में एस्पार्टिक एसिड होता है, विटामिन C की जगह पर एस्पार्टिक एसिड होता है, और सी की मात्रा बहुत कम होती है यहाँ पर, जबकि संतरा विटामिन C का एक अच्छा स्रोत है। तो आपको सही आंसर क्या मिलता है, यहाँ पर संतरा मिलेगा सही आंसर। आपको वीडियो समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, आंसर समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, अगला हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा, जो आंत में बना हुआ जीवाणु से विटामिन ही बनाता है, और मेनली विटामिन B12 से रिलेटेड है। ठीक है, विटामिन B से रिलेटेड है, हम ये कह सकते हैं। अब B का तो इसमें एक ही ग्रुप बचा है, B12, तो अब जब B12 अकेले बचा है इंटेस्टाइन वाले जीवाणु से, बैक्टीरिया अकर्ड इन इंटेस्टाइन जब ये बनाएगा, ठीक है, आंत के बैक्टीरिया द्वारा, तो फिर आगे इसमें सोचना ही नहीं है, विटामिन C बना ही नहीं सकता, के का मतलब नहीं, ए का मतलब नहीं,
ए तो लीवर में बनता है, यकृत में बनेगा, ठीक। ए और डी जो है दोनों लीवर में बनते हैं, ठीक। तो बात समझ आ रही है मेरी आपको? आ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विटामिन डी का स्रोत है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी के सोर्स क्या होते हैं? अरे मेरे भाइयों, विटामिन डी तो फ्री में मिलता है सूर्य के प्रकाश में। एक दिन एक बच्चा कहा, सर कितना देर सूर्य का प्रकाश ले कि विटामिन डी मिल जाए? हमने कहा 200 घंटे ले लो, विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये सही था? नहीं। विटामिन डी की जो मात्रा है वो सुबह के सूर्य के प्रकाश में होती है। जो सुबह सुबह अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है, उस सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा द्वारा विटामिन डी खुद बनाया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? सबसे अच्छा स्रोत, अब यहाँ पर देखिए, नींबू विटामिन किसका स्रोत है? सी का स्रोत है। ऑरेंज विटामिन सी का स्रोत है। काजू, काजू जो है ये मल्टी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है। और विटामिन डी के लिए आपके पास बैठा हुआ है सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, फ्री में यूज करो विटामिन, ठीक है मेरे साथियों, समझ आया? अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विटामिन सी को भी कहा जाता है, विटामिन सी को और क्या कहते हैं यार? अब ये अगर ना बताऊं तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि एस्कार्बिक एसिड ही विटामिन सी को कहते हैं। आप लोग जानते हैं एस्टिक एसिड सिरका होता है। एस्टिक एसिड क्या होता है? सिरका, विनेगर। विनेगर जानते हो, चाउमीन, चिल्ली, क्या पोटैटो, क्या क्या खाते हो आप लोग, उसी सब में तो मिलाते हैं विनेगर। तो सिरका जो होता है आपका, वो क्या हो गया? एस्टिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 होगा। फोलिक एसिड विटामिन B9 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि सबसे पहले वीडियो की सूचना आपको मिले, लाइव क्लास की सूचना आपको मिले, ठीक है। ठीक, तो आपको समझ आया इस प्रश्न का उत्तर? आगे आइए, आगे बढ़ता हूँ, और इसको तो मिटाया नहीं अभी। हाँ, विटामिन के का मुख्य कार्य, देखो यार पेन ऑन चला दिया, अच्छा नहीं लग रहा है ना, रुको मिटा दो। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? भाई देखिए, विटामिन के को रक्त को जमाने वाला विटामिन कहते हैं, क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? CLOTING, क्लॉटिंग विटामिन, मतलब रक्त को जमाने का काम करेगा, इसलिए विटामिन के लिए सही उत्तर। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन? विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए, ध्यान देंगे आप, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पत्ता गोभी होता है? नहीं होता है यार, मैं हर समय क्लास में बताया हूँ कि अगर किसी को रतौंधी हो गई, रतौंधी का मतलब होता है रात होने पर, ना कि अंधेरा होने पर। रतौंधी का मतलब होता है कि रात होने पर अगर व्यक्ति को वस्तुएं दिखाई ना दें, उसे क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी हो जाती है तो उसको गाजर खिला दो, देखो रतौंधी ठीक। तो गाजर खिला दिया जाए, यहाँ पर गाजर खिलाते ही उस व्यक्ति की रतौंधी ठीक हो जाएगी, क्योंकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है।
और इसकी कमी से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। क्या है बीमारी का नाम? रतौंधी। क्या कहते हैं साथियों? रतौंधी। रात में अंधा हो जाता है व्यक्ति, रात में उसको दिखाई नहीं देता। ठीक, बात समझ आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कौन करेगा? आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कौन करेगा? आप ही को करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित है? अब बताओ भाई, कौन सा सही सही मैच कर रहा है इसमें दिए गए कालम में? कैल्सिफेरॉल यूज फॉर विटामिन डी, नियासिन फॉर बी थ्री, साइनाकोबालमिन फॉर बी ट्वेल्व, राइबोफ्लोविन बी टू। ठीक है, और सीनियस एनीमिया? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन ए की, बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है, बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक, बी ट्वेल्व ये भी सही है, बी थ्री भी सही है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये भी सही है। अब देखिए कौन सा सही नहीं है में आपको क्या मिलता है? ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब सही नहीं है राइबोफ्लोविन, विटामिन बी टू है। बी वन की कमी से बेरी 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 रोग होता है, बी टू तो त्वचा रोगों से संबंधित है यार, तो इसको क्या करेंगे? सही आंसर क्या मिला आपका? राइट आंसर आपको मिलेगा डी। ठीक, समझ आया? समझ आएगा तो क्या करना है? लाइक करना है वीडियो को, शेयर और कमेंट करना है। ठीक, निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किसमें पाया जाता है? विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स? मिर्ची खाए हो? मिर्ची पेठा कौन सी सब्जी है पता है? सब्जी नहीं है यार, जो पेठा आता है मीठा वही है। मटर, रेडिश, मूली। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? बहुत अल्प मात्रा में चिली मिर्च में विटामिन सी की मात्रा होती है। ठीक है, बाकी इन सभी में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में, देखो भाई विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाएगा साइट्रस फ्रूट में पाया जाएगा। जो विटामिन साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, एक वो एक जो हेल्दी स्किन बनाएगा, मतलब त्वचा को बड़ा खूबसूरत बना दे, ब्यूटी पार्लर वाला विटामिन, तो ये तो आपको बताए ही है। त्वचा को खूबसूरत बनाने में विटामिन सी के साथ में ई का योगदान होता है, लेकिन विटामिन सी भी त्वचा को खूबसूरत बनाता है और खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर तो मिल ही गया है, अब आपको मेरी क्या जरूरत? आंसर तो मिल गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे वाले प्रश्नों का आंसर आपको नहीं मिला है अभी, तो उसके लिए क्या करना है? कंटिन्यू रहना है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत, अब क्या ही बताया जाए आपको, जान ही रहे हैं विटामिन सी का मुख्य स्रोत। इसमें कच्चे फल, ताजे फल, दूध, घी, दाल। घी तो है नहीं, दूध में विटामिन सी होता नहीं, दालों में विटामिन सी का कोई रोल नहीं। अगर यहाँ कच्चे के साथ में अगर हम थोड़ा सा खट्टे लिख देते तो मज़ा आ जाता। ठीक है, खट्टे फल जो है जो भी हैं वो विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं। ठीक, आयोग कुछ इसी तरह के अंडबंड प्रश्नों को पूछता है, ठीक है, जो कि आंसर ही ना होता हो। अभी यहाँ देखो, अब इसका उत्तर तो आपको बिना बताए ही मिल गया होगा, क्यों मेरे साथियों? इसका उत्तर बताना है, नहीं बताना है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? What causes beriberi? Beriberi रोग
किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की अधिकता से, सॉरी विटामिन बी की अधिकता से, बी की वन की कमी से, सी की अधिकता से, या सी की कमी से? ठीक है, चलो इसका बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक प्रश्न आपको बताना पड़ेगा। विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी 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 बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग विटामिन बी वन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ठीक है, चलिए एक आप लोगों को और प्रश्न देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दो आप लोगों को आंसर देना है, एक क्वेश्चन नंबर आपको हमने 20 दे दिया है, दूसरा आपको हमने दिया है क्वेश्चन नंबर 22। दो प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है? चलिए, मुझे इंतजार रहेगा आपके प्रश्नों के उत्तर का, मेरे प्रश्नों का और आपके उत्तर का, मैं इंतजार करूंगा। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? क्रेडिट डेबिट, हमारे जो वो वाले बच्चे हैं कॉमर्स वाले, तो समझ गए होंगे, क्रेडिट का मतलब जमा करना, डेबिट का मतलब निकालना। तो यहाँ पर क्रेडिट करने का मतलब यह औद्योगिक उन्नयन एवं लोन प्रदान करने के लिए आईपीसीसी द्वारा शुरू किया गया क्रेडिट कार्यक्रम है। क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च बाय द आईपीसीसी टू प्रोवाइड लोन फॉर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। लेकिन यार, कार्बन लोन लेके क्या करेगा कोई फैक्ट्री? मान लो लोन ले ले रहा है तो ठीक है, लोन ले ले तो कैश लेगा ना, छन छना छन, हाँ जानते हो ना, पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। लोन लेना है तो लोन लेने के लिए क्या करेगा कोई आदमी? पैसे लेगा लोन की, कार्बन ले जाएगा, और यहाँ तो कार्बन जमा कराना है। ठीक, तो पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी कोष के लिए आमद द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने के लिए विकल्पों के कोण के लिए कार्य है, ठीक है, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मान किया गया क्रेडिट होता है, जिससे इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो ये कौन सा एमिशन है यार, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए, कार्बन बहुत ही बेहद हार्मफुल, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में छोड़ रहे हैं ये लोग, ये वायुमंडल को हमारे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कोई लोन कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, अनुकूल आईएमएफ द्वारा शुरू किया गया ये क्या है, एक प्रोग्राम भी नहीं है। पर्यावरण के सिंगलिंग इको फ्रेंडली कुकिंग ऑप्शन भी नहीं है। ये क्या है, एक अनुमति है जो कि संस्थाओं द्वारा क्रेडिट दी जा रही है, ठीक, ये एक क्रेडिट सिस्टम है, संस्थाओं को दिया जाता है जिससे कि वो आगे भविष्य में उनकी ग्रेडिंग सुधर जाए। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 का आयोजन कहाँ किया गया था? COP21 अभी हाल में होने वाला एक ऐतिहासिक था, पेरिस में हुआ, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन के विरोध में वहाँ के लोग जूतों की हार पहना पहना के छोड़ के गए थे, बहुत सारे जूतों के ढेर लगा दिए, जूते छोड़े थे। ठीक, तो ये क्या है, COP21 इन पेरिस। COP21 कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसीसी, देखिए कह रहा है इंटर पार्लियामेंट्री पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। इंटर तो कहीं नहीं होगा, जितना इंटर पिंटर लिखा है सब काट दो, जितना इंटर लिखा है सब काट दो, इंटरनेशनल होगा तो बात बनेगी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन किसी एक देश का आंतरिक मुद्दा नहीं है, जलवायु परिवर्तन एक पूरी वैश्विक समस्या है, और इस समस्या से निपटने के लिए कोई इंटर काम नहीं करेगा, उसमें क्या काम करेगा, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है साथियों, आगे चलिए। प्रजातियां, आईयूसीएन, आईयूसीएन होता क्या है यार, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल कोड फॉर आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल नेशनल यूनियन फॉर, ऑफ लिख दिया,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज। ठीक, ये होता है मुख्य रूप से इसका काम क्या है। ठीक है, स्पीसीज आर नॉट क्लासिफाइड एज द थ्रेटेंड स्पीसीज इन द क्लासिफिकेशन IUCN। थ्रेटेंड, थ्रेटेंड में कौन आया है? ये जो मिसिंग ऑफ्टेन है, जो सहज में पर्याप्त इजली अंकेलेट विलुप्त नुकसान पहुंचाने वाली, मुख्य रूप से इसमें वो जो सहजता पाई जाएंगी, पायल नहीं पाई जाने वाली होगी। ठीक, पाई जाने वाली प्रजातियों को नहीं रखा जाएगा, बाकी सब थ्रेटेंड स्पीसीज में आएंगी। ठीक, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसे क्या नाम दिया गया है ना, ईयर 1955 क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। ठीक, देखिए आप लोग जानते हैं कि 1950 के आसपास प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री रहे हैं। इन लोगों ने इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया। ये जो प्रोग्राम है इसके लॉन्चिंग किसने की थी? नरहरि विष्णु गाडगिल। गाडगिल ये बड़े फेमस जो है पर्यावरण शास्त्री रहे हैं। इन्होंने लॉन्च किया था उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के ही चमोली जिले में एक और अभियान चला था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी वहीं से चला था। ठीक, तो एक और नया आंदोलन आप लोग जानते रहे। चिपको आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति का नाम है सुंदरलाल बहुगुड़ा। सुंदरलाल बहुगुड़ा, चिपको आंदोलन, उत्तराखंड चमोली। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड्स डीड्स अभियान शुरू किया? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन इन 2018? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। सबसे पहले तो यार बात करूंगा, मिनिस्ट्री की बात आपको बाद में करूंगा, पहले तो ये जान लो कि ये है क्या, ग्रीन गुड डीड्स क्या है। देखिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि इको फ्रेंडली हो, हमारे पर्यावरण के अनुसार अनुरूप से वो अच्छा हो, गुड हो, जो कि हमारे पर्यावरण में एक्सेप्टेबल हो, ना कि प्लास्टिक की तरह एक वेस्ट बन जाए जो कि डिकम्पोज भी ना हो सके। पर्यावरण बहुत खतरे में है साथियों, इसको बचाने की जिम्मेदारी आप पर है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि बेहद हार्मफुल हैं। अब उन हार्मफुल नुकसानदायक प्रोडक्टों को क्या करना है, वो किस में आएंगे, वो बाहर हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली हो उनको ग्रीन गुड डीड्स कहा, और ये लॉन्च करने की जिम्मेदारी पर्यावरण वन मंत्रालय के पास में है। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। लगातार अच्छे प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूँ मैं। आज मेरे पास में बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम को हिला देने वाले प्रश्न हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन होगा, उसी दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, मीन्स 5 अप्रैल। ठीक, अब मैंने याद रखने का तरीका बता दिया आपको। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या नाम है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई, लेकिन बेचारा अंधा है, इसको कुछ समझ नहीं आता क्या आदेश करे, है ना। एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो कि खुद ही इसको नहीं पता है क्या करना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है, नॉन गेस्टेड संगठन है, केंद्र सरकार का विभाग है, निजी कंपनी है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन इसको खुद ही नहीं पता है क्या करना है। ठीक, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है?
हवा में किस गैस की मात्रा अधिक है? हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक है वो क्या है? हवा में नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है O2 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, और अन्य गैसों में अदर में कुछ हो जाएंगे 1% तक। ठीक, अब एक बात जानो, अब इसके अतिरिक्त हवा की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही है, यहाँ पर हवा की बात इसी से है। अब हवा में आपके हाइड्रोजन है? नहीं है। कैडमियम होगा नहीं, कॉपर होगा ही नहीं, बचा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक, दिमाग मत लगाओ इसमें। अगला देखो, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत क्या है? इसमें से कोई है? अभी हमने दिया था सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, नाइट्रोजन है 78। सही आंसर मिला। अगला प्रश्न देखो, सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? क्वेश्चन नंबर आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, आपको एक एक करके मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ और हल करवा रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2015? 2015 पेरिस सम्मेलन हुआ था भाई, 2015 पेरिस सम्मेलन, बहुत खतरनाक सम्मेलन था, एक बार अभी भी बताया हूँ, बड़ा उठा पटक हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसी के विरोध में बहुत वहां के नागरिकों ने एक बेहद बेहद ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक, अगला देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? यार देखो एक बात बता दूं, अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां जिस दिन खत्म हो गई उस दिन ये धरती खत्म हो जाएगी, गैस की तो बात ही छोड़ दो। अब गैस कौन सी जाएगी? मेनली गैस की विल बी लैग्ड, कमी हो जाएगी। कमी किसकी होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने वाले कौन है? ये पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होना है, ऑक्सीजन खत्म तो नाइट्रोजन खत्म, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता गया, सारा कुछ खत्म। ठीक, बात समझ गए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, शोर का अवशोषण करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे क्या नहीं करते हैं, बात को समझना। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, शोर, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए भी वृक्षारोपण किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए भी क्या किया जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है साथियों, और ऑक्सीजन तो देना उनका काम ही है, लेकिन वो कभी वायु प्रदूषण नहीं करते। राइट आंसर आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलता है ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया? मजेदार प्रश्न है और आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना, तो एक काम करना, जरा से वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहना। ये देखो मिनी माटा रोग, मिनी माटा रोग मरकरी की कमी से होता है, इटाई इटाई, कैडमियम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, कैंसर, आर्सेनिक, और क्या बताएं, अब एक ही बार में सब बता दिए। ठीक, तो अब लगा दो इसका आंसर, क्या मिल गया? कहीं है मरकरी? लगा दिया ना मरकरी को, मिला राइट आंसर, समझ में आ रहा है? सब कुछ रटा दिया हूँ बस, अब अगला क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर 1,000 व्यू से कम पहुंचा आज तो फिर ठीक नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग किया है आपको बताया गया है क्लास में, एजी टांसले, एजी टांसले। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र से संबंध नहीं रखता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इको सिस्टम? कौन सा इको सिस्टम से रिलेटेड नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय के इकाई के समस्त जीवों के भौतिक पर्यावरण क्या है, कार्यशील इकाई है, अपनी
उत्पादकता होती है या एक बंद तंत्र होता है, ये सब क्या सिस्टम लिख दिया है, अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम होता क्या है, जरा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इकोसिस्टम आप सुनेंगे, एक तो होते हैं जीवधारी लिविंग, ठीक, और एक होते हैं नॉन लिविंग। जो जीवधारी हैं उनका नॉन लिविंग के साथ में बहुत गहरा संबंध होता है। सजीवों का जीवधारियों को उसके अजैविक घटकों के साथ, पर्यावरण के साथ के संबंध को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मैंने बताया ना, बड़ा गहरा संबंध होता है लिविंग और नॉन लिविंग का। अगर लिविंग है तो नॉन लिविंग का अस्तित्व है, नॉन लिविंग है तो फिर लिविंग का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधे जीव जंतु उसके साथ में पाए जाने वाले पर्यावरण, ताप, क्लाइमेट, मृदा पर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र की निश्चित स्थान, एक समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का जो उसका यूनिट होगा वो क्या होगा, वही क्या कहलाएगा, कि इसमें कह रहा है संबंध सही नहीं है, है ना। क्रियाशील इकाई है ही, इसकी उत्पादकता खुद की होती ही है, ये बंद उंद वाला सिस्टम नहीं होता, क्लोज लोज नहीं होता, सब खुला है दरबार, यार जिसका मन हो आ जाओ। प्रथम पोषक स्तर, सबसे पहले कौन सा पोषी स्तर होता है? सूर्य के पौधे से ऊर्जा कौन बना सकता है? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट ऑलरेडी किस पर आएंगे? हरित पादप, प्रथम पोषी स्तर पर। द्वितीय पोषी स्तर पर कौन आएगा? शाकाहारी जंतु, हर्बीवोरस। तृतीय पर मांसाहारी, टॉप कंज्यूमर फोर्थ लेवल पर होंगे। ठीक, यहीं पर मैं आपको सब बता दिया हूँ। प्रश्न मेरे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा इसमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। देखिए, कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ पौधे दब गए थे कालांतर में, वो कोयले में बदल गए। सेम एज पेट्रोलियम एंड सेम एज नेचुरल गैस, तीनों के लिए एक ही लगता है, लेकिन यूरेनियम एक तत्व तो है, ठीक है, भारी तत्व तो है, उच्च अणुभार वाला तत्व तो है, जिसके विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको समझ आया है इस प्रश्न का उत्तर? बहुत मजेदार प्रश्न है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? देखिए भाई, रेड पांडा बेचारा ऐसे ही चला गया, मानव ने इसकी ऐसी की तैसी कर डाली। रेड पांडा क्लाइमेट चेंज होने के कारण विलुप्त हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक ऐसी किताब है जिसमें उन जीवों की लिखा पढ़ी की जाती है जो विलुप्त होने वाले हैं। जैसे मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता था, दो दो बेचारे को मार मार के सब खा गए। दूसरा अपने यहाँ पाया जाता है गिद्ध, दिखता है कभी कभी दिखाई देता है गिद्ध, क्यों? क्योंकि वो तो निपट चुका है ना। डाइक्लोफिनेक सोडियम नाम की दवा जो पेन किलर के रूप में दी जाती है, उसके प्रभाव से गिद्ध विलुप्त होने वाले हैं। तो इनका पूरा दस्तावेज लिखा पढ़ी किसमें की जाती है? रेड डाटा बुक में की जाती है, सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक समझ आया, ऐसे जीवों की सूची होती है जिसमें उन जीवधारियों के ब्यौरे लिखे जाते हैं जिसमें विलुप्त होने वाली वनस्पतियां हो। मैटेरियल प्रोटोकॉल ओजोन के अवक्षय से है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। लेकिन जो यहाँ पर ओजोन है वो क्या कर रही है, उसको बचाने के लिए मेटेरियल प्रोटोकॉल हुआ जिसमें यह बनाया गया कि अब ओजोन को बचाया जाए। 1987 में अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद था जो कि 10 साल बाद 1998 में 1 मीटर बढ़ चुका है। अब वो किलोमीटर के रेंज में जा रहा है, और अगर वो बढ़ता चला गया, ओजोन डिप्लीशन होता रहा, ओजोन की परतें पतली हो गई, तो भैया अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर आएंगी, स्किन कैंसर एकदम आम बीमारियों की तरह होगा, स्किन कैंसर एकदम आम बीमारियों की तरह लोगों को होगा। तो क्वेटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? भाई देखिए, क्वेटो ये है ना, क्वेटो जो है, क्वेटो एक शहर का नाम है जापान के। क्वेटो कहाँ का है? जापान। इस पूरा इंटरनेशनल समूह, जितना पूरा विश्व समुदाय क्वेटो प्रोटोकॉल का पालन करता है जलवायु परिवर्तन के लिए,
ये दिसंबर 1997 में हुआ था। 1997 कब? दिसंबर में हुआ है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से बखूबी समझ आ रही होंगी। अगला देखिए 2015 में, भैया इसको तो मैं बता चुका हूँ यार, है ना, बिल गेट्स की पहल हुई थी कहाँ पर? पेरिस में, पेरिस में जलवायु सम्मेलन में। मिशन इसको क्या नाम दिया इन्होंने, है ना, मिशन इसको क्या कहा था? अभिनव कहा है, मिशन अभिनव कहा है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, ये भी बहुत कलाकार आदमी है, कुछ भी करवाते रहते हैं भाई, 15,000 का मेकअप रखे हैं। बहुत सारे देश, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पूरा विश्व समुदाय जापान के क्वेटा शहर में हुए दिसंबर 1997 के सम्मेलन का पालन कर रहा है। तो कौन सा है वो? क्वेटा, सम्मेलन, क्वेटा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और उसको मैं बता भी चुका हूँ कि दिसंबर 1997 का है। ठीक, क्वेटा प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2010 में हुई है। प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन, ये क्वेश्चन का आंसर देना आपके बस से बाहर है बच्चों। प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बनाया है? क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाया है। इसमें प्रधानमंत्री एक प्लस 17, और प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य हैं कमेटी काउंसिल में? 18। 17 प्लस एक प्रधानमंत्री मिला करके कितने सदस्य हैं? 18। ठीक है, ठीक, 18 सदस्यों की ये कमेटी है। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना संबंधित है, बच्चों को जागरूकता बनाना है युवा मन में पर्यावरण के लिए, इससे संबंधित है। युवा मन में पर्यावरण के लिए, उनमें पर्यावरण बताने के लिए, पर्यावरण की प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यावरण के प्रति। देखिए पर्यावरण जो हमारा है, हमारे चारों ओर का वातावरण, पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर जैविक घटक जीवधारी हैं तो पेड़ पौधे वनस्पतियों का भी होना आवश्यक है। एक जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक, वातावरण और जैविक कारक, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। एक है तो ही दूसरे का अस्तित्व है। इसलिए मेरे साथियों, पेड़ पौधों को बचाइए, वृक्ष लगाइए। आप सभी लोगों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कम से कम प्रत्येक बच्चा मेरा 5 पेड़ जरूर लगाएगा। एक एक बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी है 5 पेड़ लगाने की। देखिए जब जुलाई का महीना चल रहा है, एक बूंद बारिश नहीं हो रही है बच्चों, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर ये क्लाइमेट चेंज होगा तो अरे यार हमसे क्या, चलो होने दो, होने दो, होने दो। अभी आप जान नहीं रहे भैया, मॉरिशस कितने खतरे में है इससे। जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, पता नहीं कितने देश डूब जाएंगे। समुद्र तटीय प्रदेश जो अपने यहाँ भारत के हैं, केरला, तमिलनाडु, ये सब भी डूबेंगे। बम्बई महानगरी, समुद्र केवल अभी पानी मारता है, चीता डूबो के चला जाएगा। 2005 में सुनामी आई थी, सुनामी भी क्लाइमेट चेंज का ही एक नतीजा है। तो क्लाइमेट परिवर्तन को आप लोग समझिए, और युवा मन में पर्यावरण को लेकर कोई उत्साह नहीं होता, कोई जागरूकता नहीं है। तो बस इतना जान लीजिए कि वृक्ष है तो जल है, जल है तो जीवन है। तो करना क्या है? वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए। इसी संदेश के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरे सभी साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।